भारतीय न्याय संहिता 2023 में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के अपराध की जांच को प्राथमिकता दी गई है। पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के 2 महीने के भीतर जांच प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। वहीं पीड़िता को 90 दिन के अंदर मामले की प्रगति पर नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार है। नए कानून में अपराध से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त इलाज की गारंटी का भी प्रावधान किया गया है। वहीं दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों की जांच की जिम्मेदारी महिला इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर को सौंपी जाएगी। पॉस्को एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों से संबंधित अपराध की जांच की जिम्मेदारी भी महिला ऑफिसर को ही सौंपी जाएगी। पुलिस थाने में जाने से मिलेगी छूट। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों का खास ख्याल रखा गया है। महिलाओं, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा दिव्यांग जनों या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को पुलिस थाने में जाने से छूट दी गई है। वे अपने घर से ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रेप की धारा 63, नाबालिग से गैंग रेप पर मिलेगी मृत्यु दंड। IPC की धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया था, जबकि 376 में सजा का प्रावधान था। IPC की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। BNS की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 से 97 तक है। दुष्कर्म में अधिकतम उम्र कैद और न्यूनतम 10 वर्ष तक की कैद का प्रावधान किया गया है। दुष्कर्म पीड़िता की उम्र यदि 16 वर्ष से कम होगी तो कम से कम 20 वर्ष की कठोर कैद या उम्र कैद और जुर्माना से दोषी को दंडित किया जाएगा। पीड़िता की उम्र यदि 12 वर्ष से कम होगी तो न्यूनतम 20 वर्ष की कैद, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड और जुर्माना से दोषी को दंडित किया जाएगा। और वहीं सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता यदि एडल्ट है तो अपराध किए गए व्यक्ति को 20 साल से कम की सजा नहीं होगी। साथ ही उम्र कैद का भी प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। और यदि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होगी तो दोषी को उम्र कैद या मृत्यु दंड और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। मैरिटल रेप अपराध नहीं। भारतीय न्याय संहिता में मैरिटल रेप का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। धारा 63 के अपवाद 2 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है तो इसे अब रेप नहीं माना जाएगा, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 साल से ज्यादा हो। यहां आपको बता दें कि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने महिला की आयु 18 साल कर दी थी, यानी नाबालिग पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना अब अपराध माना जाएगा। IPC की धारा 375 में प्रावधान था कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है तो जबरन संबंध बनाना रेप नहीं माना जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में 18 साल से कम उम्र में भी शादी की इजाजत है, इसलिए नए प्रावधान का मुख्य असर मुसलमानों पर ज्यादा होगा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने पर मिलेगी 10 साल तक की सजा। भारतीय न्याय संहिता में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का अपराध अब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में कर दिया गया है, इसलिए पुलिस अब बिना वारंट के ही आरोपी को गिरफ्तार कर सकेगी। हालांकि सजा का प्रावधान पहले की ही भांति 10 वर्ष तक और जुर्माना का है। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र तो गिरफ्तारी के लिए डिप्टी SP से अनुमति जरूरी। किसी अपराध में बच्चे को शामिल कराने वाले को 3 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। छोटी आपराधिक घटनाएं जिसमें 3 वर्ष से कम की कैद का प्रावधान है, उनका आरोपी यदि 60 वर्ष से अधिक की उम्र का है या गंभीर रूप से बीमार है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए डिप्टी SP या उससे सीनियर ऑफिसर की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।